फजर के बाद का वक्त है और बर्गर चली। माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। ये बर्गर प्लेटर बन रहा है, सही है? और बर्गर तो मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा ही पसंद है, नेक्स्ट लेवल। मतलब कि कुछ ना हो खाने को या कुछ भी पूछना है, सवाल बगैर सवाल पूछे बर्गर बना के पेश कर दें, मैं खा लूँगा, 3 टाइम खा लूँगा, ऐसा ऐसा फेवरेट है। तो यहाँ तक पहुँची है कहानी, आ जाए आपको दिखाने। इसमें जो मेन चीज़ है ना, वो लेयरिंग है। तो बन के ऊपर ये वाइट सॉस मेयोनीज और फिर ये ग्रीन सैलड होनी चाहिए, लंबी लंबी कटी हुई, थी जब बर्गर बैठे इसके ऊपर तो इस सिरके ना, ये हो गया। और फिर ये डबल लेयरिंग होगी, इसके ऊपर हमने डाली है बफेलो सॉस, बन बेस, फिर मेयोनीज, फिर ये ग्रीन लेटस लंबी कटी हुई, फिर एक चिकन का पैटी, उसके ऊपर बफेलो सॉस, ये वाली बफेलो सॉस एक्स्ट्रा स्पाइसी, सही है। उसके ऊपर आ गया हमारा चीज़ जो मेल्ट हो रहा है, उसके ऊपर फिर एक और चिकन का पैटी, फिर बफेलो सॉस की दूसरी लेयर, और फिर उसके ऊपर चीज़, फिर टोमेटोज एंड क्यूकम्बर्स, और टॉप्ड अप विद बन, सेसमी सीड वाला जिसके अंदर केचप लगा हुआ है। ये सीक्वेंस है। तो ये चिकन बर्गर है और ये बीफ गो में बीफ बर्गर, ये वाला, इसकी भी वैसी ही लेयरिंग हुई है गो में बीफ बर्गर की। हाँ, तो ये 8 बर्गर बन रहे हैं जिसमें 4 डबल पैटी के साथ और 4 सिंगल, अल्हम्दुलिल्लाह। और बच्चे इंतज़ार में हैं कि खाना कब बने और हम खाएं। और ये यूके एयरपोर्ट की वीडियो देख रहे हैं, ब्लॉग। हम लास्ट ईयर गए थे ना, पाकिस्तान से वापसी की है ये वीडियो, ये चल रहा है। रेहान यहाँ पे भी इंतज़ार कर रहे हैं, छोटा सा ब्लॉग भी बना रहा था। हमजा बेटा आप पीछे से देखिए, शाबाश, सिट ऑन द काउच। माशाल्लाह, दिखाइएगा इधर से, मैं व्यू दिखाता हूँ, ये बन रहा है यहाँ पे, माशाल्लाह अमेजिंग। कुछ पैकिंग हैं जो अंदर है। तो इसमें बफेलो सॉस नहीं है, ये बच्चों के लिए, तो इसमें केचप डल रहा है इंस्टेड ऑफ दी बफेलो सॉस, ठीक है। इसके बाद आएगी हमारी एक और चीज़ दैट विल सून स्टार्ट मेल्टिंग। अच्छा, ये जो सॉस है ना बफेलो, दिस इज अमेजिंग, ये मज़ा डबल ट्रिपल कर देती है सॉस। ये आपको बना रही, ये हमने चिप्स भी डाल दी है, फ्रीजर में वापस रख देते हैं।
अल्लाह आला बरकत। हाँ शुरू करो बेटा। हाँ हाँ बिस्मिल्लाह। नहीं चाहिए, इसको दे दो अब्दुर्रहमान की प्लेट में और ले लेना। अच्छा मुझे दे दो, मुझे दे दो, शाबाश मैं खा लूँगा। चिप्स चिप्स नहीं खा रही उसने आप? ओके मुझे दे दो। ये लो मामा आके खिला रही है तुम्हारे बच्चों। बिस्मिल्लाह अला बरकतिल्लाह, बिस्मिल्लाह अला बरकतिल्लाह। और बर्गर, बर्गर से मैं शुरू करूँगा, उसके बाद व्लॉग का टाइम नहीं है, फिर हम एंड में फीडबैक देंगे कैसा बने थे बर्गर इंशाल्लाह। तो पहला हेयर गोज बीफ बर्गर, ये रहा। बिस्मिल्लाह अला बरकतिल्लाह। माशाल्लाह चिकन का एक बस वाला चिकन का बर्गर, ये देखें डबल लेयर लगी हुई। बिस्मिल्लाह सुभान अल्लाह, मजा आ गया। बेफाख्ता निकला सुभान अल्लाह। बर्गर तो खाए कैसे बताइए। ठीक है हमजा बताएगा बर्गर। ये भी खा रहे हैं अपना खाना। एक स्लाइस काटा है तो गिर नहीं रहा। ये है आइसक्रीम केक, क्रीमी। Scoop of this and a scoop of that. Salted cashews in here. Yeah. इक्वलाइजर होंगे थोड़े से। चलो रेहान को देखने देते हैं।
بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله بہترین. اس میں جو کیک ہے نا وہ کاؤنٹر کر رہا ہے آئس کریم کو, اور جو شوگرز ہیں سالٹڈ کیشیوز سے کاؤنٹر ہو رہی ہیں, پرفیکٹ بلینڈ ہو رہا ہے. ایون ماشاء اللہ. چلو بچوں الحمدللہ اس بلاگ کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. برگر بہت اچھا تھا ماشاء اللہ, کھا کے نان ملا, کوانٹیٹی بھی اچھی تھی کوالٹی بھی اچھی, اور آئل ہم نے یوز کیا تھا کینولا آئل جو اچھا ہے نسبتا دوسرے تیل سے, کینولا آئل اچھا ہوتا ہے. لوڈڈ وتھ چیز اینڈ سٹف. بہت اچھا مزہ آیا. اللہ کی بات کا وقت ہے اور برگر چلیں گے. جو بچ گیا وہ صبح کا مال ہے. اچھا اس میں برگرز میں یا گوشت میں ایک چیز ضرور دیکھنے والی ہوتی ہے یہاں پہ کہ ذبیحہ بائی ہینڈ, یہ جو بائی ہینڈ ہے نا حلال, ذبیحہ حلال بائی ہینڈ یہ ضرور ہے, کیونکہ یہاں پہ دو طرح کے ذبیحہ گوشت ملتا ہے. ہمیں بھی کنفیوژن تھی شروع میں کہ مشین سلاٹر چلتا ہے, مشین ریکارڈنگ چل رہی ہوتی ہے بسم اللہ اللہ اکبر, اور مشین سے چکن یا جانور کٹ رہا ہوتا ہے, تو وہ اوائڈ کرنا چاہیے. ذبیحہ بائی ہینڈ جس پہ لکھا ہے وہ صحیح چیز ہے, کیونکہ ہاتھ سے ذبح کیا انسان نے باقاعدہ. بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے انشاءاللہ. Okay, ready?